एवरीवन वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में फ्लिपकार्ट की तरफ से एक जॉब अपडेट आई है जहां पर आप लोगों को कोई कॉल नहीं करना है, कोई सेल नहीं करना है और बहुत ही अच्छा प्रोफाइल आया है जहां पर आप लोगों को सिर्फ एक ईमेल सेंडिंग का काम है या कह सकते हो कि टेक्स्ट या चैट बेसिस का ये जो काम है यहाँ पर आया है। और ये जो वर्क आया है, जो जॉब आया है अपडेट, ये कुछ घंटे पहले यहाँ पर आ गया और मैंने खुद यहाँ पर अप्लाई किया। आप देख सकते हो मुझे इस ग्रुप में इन लोगों ने ऐड किया था, तो किस तरह से मैंने प्रोसेस किया, क्या मैसेज किया था, मैं ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर प्रोफाइल क्या है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी का रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट का ये नॉन वॉइस ब्लेंडेड प्रोसेस के लिए ये जॉब अपडेट है, जैसे आप मेरे अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा है दैट इज द 0 to 5 years का है। आप देख सकते हो यहाँ पर सैलरी का रेंज जो दिया गया है दैट इज 1.75 lakhs से लेकर 2 lakhs तक दिया गया है। इट्स कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। यहाँ पर हायरिंग का जो ऑफिस दिया गया है वो कोलकाता का है। ओके, अब आप देखो यहाँ पर ओपनिंग्स जो है वो यहाँ पर 500 ओपनिंग्स यहाँ पर आ गई है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप देखो तो नॉन वॉइस ब्लेंडेड प्रोसेस, और इसके लिए आप लोगों के पास में क्या चाहिए, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। और आप लोगों को इन्होंने एक एचआर का फोन नंबर दिया है, आपको वहाँ पर कॉल नहीं करना है। क्या करना है ये मैं बताती हूँ इसी वीडियो में, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को भी यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाए। ओके, सो अब कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या होना चाहिए, तो आप फ्रेशर हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के पास में एक लैपटॉप होना चाहिए जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो विंडोज 10 होना चाहिए या अबव, और 8GB का रैम होना चाहिए, इंटेल का प्रोसेसर i3 एंड और अबव, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहाँ पर देखो ये जो रोल है वो कस्टमर रिटेंशन यहाँ पर है, देन आप लोगों का डिपार्टमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर दिया है कि अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आप अगर 12th पास हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या अंडर ग्रेजुएट हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये फ्लिपकार्ट नॉन वॉइस के लिए। ओके, अभी यहाँ पर और एक लिंक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अब देखो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का ही जॉब रोल है, लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम में है, लेकिन 6 months के लिए दिया है। ओके, 0 to 3 years का ही है। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस, टेक महिंद्रा इज हायरिंग फॉर द रिसोर्सेज हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क फ्रॉम होम ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 months। पहले वाले जॉब रोल में 6 months का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अब ये कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर का है। यहाँ पर आप लोगों को कस्टमर के क्वेरीज जो है यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट डिलीवरी रिलेटेड इंक्वायरीज है कस्टमर के तरफ से, उन लोगों को आपको यहाँ पर कॉलिंग के थ्रू में यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है। मतलब ये भी जो प्रोफाइल है ये एक तो फ्लिपकार्ट के लिए हो सकता है, नहीं तो फिर मिंत्रा या मीशो के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर इन लोगों ने कॉल लॉग नहीं दिया है तो समझ में नहीं आया कि ये प्रोफाइल किस कंपनी के लिए, मतलब किस प्रोफाइल के लिए टेक महिंद्रा हायर करें यहाँ पर। ओके, 6 days का यहाँ पर वर्किंग है, 9 hours का यहाँ पर लॉगिन है। ये कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोगों के पास में होना चाहिए। टाइपिंग का स्पीड आप लोगों का 25 words per minute का यहाँ पर होना चाहिए, और बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर 12th का दिया गया है। और अप्लाई करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर आपका जो CV है, एक तो या इन लोगों को आपको डायरेक्टली जो जीमेल है यहाँ पर अपलोड कर दो, नहीं तो फिर इनको व्हाट्सअप करना है। ओके, सो ये 6 months का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अब ये जो थर्ड वाला जो लिंक है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, सेम है, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का 6 months का ही है। अब सेम प्रोफाइल है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के साथ में हिंदी भी मांगा है। और कोई मतलब कस्टमर सपोर्ट अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आपका जो शिफ्ट होने वाला है दैट इज द 24/7 शिफ्ट में होने वाला है। सेम कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों ने भी यहाँ पर मांगा है, कस्टमर ओरिएंटेशन के लिए ही है, कस्टमर सपोर्ट के लिए है, ये वॉइस एंड नॉन वॉइस बोथ के लिए यहाँ पर आने वाला है। ओके, सो तीनों जो लिंक्स है ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, अब ये देखो यहाँ पर कोई कॉल या ईमेल नहीं शेयर किया, लेकिन जो सेकंड वाला लिंक शेयर किया है वहाँ पर इन लोगों ने कॉल और लिंक जीमेल शेयर किया, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और जो अभी जो रिसेंट प्रोफाइल अपडेट हुआ है वहाँ पर तो आप डायरेक्टली इस एचआर को मैसेज करना है। अब देखो जैसे मैं कहती हूँ मैंने क्या किया था वो मैं आपके साथ में पहले शेयर करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो अभी का रिसेंट जो प्रोफाइल आया है ना वहाँ पर मैंने उनको पहले कॉल किया था एचआर को। तो जैसे मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि टेक्स्ट कर लो। ओके, मतलब एक मैसेज आ जाता है आप लोगों को कि आपको टेक्स्ट करना है, इनको कॉल नहीं करना है। सो मैंने टेक्स्ट किया। टेक्स्ट क्या किया, तो इस तरह का जो मैसेज होता है ना वो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट किया। अभी जैसे यहाँ पर एजिस का दिख रहा है ना, तो इसी तरह का मैंने सेम मैसेज टेक महिंद्रा के लिए यहाँ पर टाइप कर दिया, और फिर उनका रिप्लाई आया। उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया जो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक थी, और जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो उन्होंने मुझे फ्लिपकार्ट के नॉन वॉइस प्रोसेस का जो व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया वहाँ पर उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। अब इसके जो आगे के प्रोसेस होने वाले हैं इस पर क्या होता है ये मैं बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों के क्या होता है, 3 interviews होते हैं। जो सबसे पहला इंटरव्यू होता है वहाँ पर एक ग्रुप इंटरव्यू, मतलब आपको एक लिंक सेंड की जाती है और ऑनलाइन वो इंटरव्यू हो जाता है, जहाँ पर एचआर जो होता है वो आप लोगों को आपका नेम, कोई सिचुएशन बेस्ट क्वेश्चन, आपके बारे में, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस है तो वो कहाँ से है, और कुछ जनरल क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके, अब उसके बाद में जो सेकेंड वाला, अगर यहाँ पर ये क्रैक कर देते तो उनकी लिंक आ जाती है सेकेंड राउंड के लिए, एक दो
2 दिन के बाद में आ जाती, और वो क्रैक होने के बाद में आप लोगों को सेकेंड राउंड में भी आप लोग का एचआर के साथ में और एक और एचआर मैनेजर या एक एडमिन होगा उनके थ्रू में आप लोगों का एक इंटरव्यू हो जाता है जो पर्सनल होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं होता, वो पर्सनल में होता है, और वहाँ पर आप लोगों को सेम कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं, जो जिसमें आप लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो किस तरह से होता है, आप कस्टमर का हैंडल किस तरह से केयर करते हो, बहुत ही जनरल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप नेट पर जाकर सर्च करोगे ना फ्लिपकार्ट नॉन वॉइस प्रोसेस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे कि आप लोगों को किस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर रहना है। ओके, सो ये होने के बाद में जो लास्ट वाला राउंड होता है इन लोगों का, जहाँ पर इनका सैलरी का डिस्कशन होता है, आपका टेक्निकल जो कोई भी है वो चेकआउट होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने मांगा है क्या उसमें आप फिट बैठते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। और उसके बाद में जो होता है इन लोगों की ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग होने के बाद में आप जो होते हैं वो ऑन मतलब जो एक्चुअल में काम है वहाँ पर आप यहाँ पर काम करना शुरू कर लेते हो, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में भी आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाती है। इसका जो शिफ्ट का टाइमिंग होता है वो आप लोगों का 9 आवर्स का शिफ्ट होता है, जहाँ पर आप लोगों का कुछ घंटे का एक ब्रेक मिल जाता है, और उसके बाद में ये जो शिफ्ट है वो रोटेशनल शिफ्ट में आप लोगों को काम करना पड़ता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलेंगी, आफ्टरनून में मिलेंगी, इवनिंग में मिलेंगी, ऐसा नहीं, तो 1 वीक में रोटेशनल शिफ्ट वाइज में आप लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ओके, सो इन तीनों की जो लिंक्स है ना गाइज मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर रिवर्ट बैक मुझे आ रहा है तो आप लोगों को भी जरूर आना चाहिए। मैंने तो सीवी भी शेयर नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक व्हाट्सअप का मैसेज शेयर किया, और वही मैसेज जो मैंने अपने आपको दिखाया था सेम मैसेज है। अगर आप लोगों को वो मैसेज चाहिए कि मैंने क्या लिखा है तो आप मुझे एक बार कमेंट डाउन जरूर करना, ताकि वो मैसेज मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ। ओके, सो यस दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।